जब आप किसी MS Excel के इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, चाहे वो BPO हो यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग या फिर कॉरपोरेट हो, तो वहाँ पर कुछ सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो आपकी काबिलियत परखने के लिए काफ़ी होते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे ही टॉप 10 इंटरव्यू की सीरीज़ लेकर आया हूँ, जिसमें आपको सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, उनको कैसे सॉल्व करना है और एक्सेल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सलमान अली, आप देख रहे हैं नॉलेज राशन चैनल। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। सो लेट्स जस्ट क्विकली मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है द टोटल कैलोरीज ऑफ स्नीकर एंड पोटैटो इज। तो यहाँ पर मेरे को कैलोरीज दे रखी हैं दो आइटम्स की, यहाँ पर कैंडीज हैं और यहाँ पर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की कैलोरीज हैं। तो मेरे को दो आइटम्स हैं, पोटैटो एंड स्नीकर्स दोनों में मौजूद हैं, तो मुझे इसकी कैलोरीज निकालनी है। तो फॉर्मूला है हमारा सम IFS, तो इक्वल्स टू सम IFS फॉर्मूला इस तरह से स्टार्ट होगा। अब सम रेंज, तो सबसे पहले मैं कैंडीज की कैलोरीज यहाँ पर सम रेंज में सिलेक्ट करूँगा, ऐसे है C3 to C10, देन कोमा प्रेस करूँगा एंड देन पूछता है क्राइटेरिया रेंज 1, तो कैंडीज जो है मेरी क्राइटेरिया रेंज 1 होगी, कोमा करूँगा देन कैंडीज में स्निकर्स की निकालनी है, तो क्राइटेरिया रेंज 1 मेरा स्निकर्स होगा। यहाँ तक हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे को सेम इसको ब्रैकेट क्लोज करना है, इसके आगे मैं इसको प्लस का निशान लगाऊंगा। यहाँ पर प्लस का निशान मैंने इस वजह से लगाया क्योंकि मेरे को दो कैलोरीज कंबाइन करनी है, पोटैटो एंड स्निकर्स की और वट एवर इट इज़ द आइटम। तो यहाँ पर मैं प्लस का निशान लगाने के बाद एक सम IFS फॉर्मूला और लगाऊंगा, यहाँ पर सम रेंज सिलेक्ट करूंगा, इस बार मैं सिलेक्ट करूंगा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की कैलोरीज का, राइट E3 to E10, देन कॉमा प्रेस करूंगा। अब देन पूछता है क्राइटेरिया रेंज 1, तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हमारे क्राइटेरिया रेंज 1 होंगे, देन कॉमा प्रेस करूंगा एंड क्राइटेरिया 1, तो मेरी पोटैटो जो है मेरे को क्राइटेरिया 1 के तौर पर सिलेक्ट करना है। ब्रैकेट क्लोज करूंगा। अब मेरे को यहाँ पर प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मेरे स्निकर्स एंड पोटैटो की कंबाइंड कैलोरीज आ गई हैं, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमारा सॉल्व हो चुका है। सो लेट्स जस्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर दिया हुआ है द सम ऑफ द लार्जेस्ट 2 नंबर इन द रेंज C3 to C11, राइट। तो ये हमारी रेंज दी हुई है C3 to C11, तो दो लार्जेस्ट नंबर्स का मुझे यहाँ पर सम निकालना है, मींस इन सीरीज में जो भी दो लार्जेस्ट नंबर होंगी उन संख्याओं का सम निकालना है। तो क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा सा है बट आंसर इसका बिल्कुल सीधा सीधा होगा। तो लेट्स जस्ट पुट द फॉर्मूला इक्वल्स टू SUM सम, देन पुट द फॉर्मूला LARGE लार्ज। अब मेरे को एरे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर एरे सिलेक्ट करूँगा इस तरह से, ये मैंने C3 to C11 एरे सिलेक्ट कर लिया है, देन कोमा प्रेस करूँगा और ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा क्योंकि मेरे को सम निकालना है दो लार्जेस्ट नंबर्स का। तो यहाँ पर मैं राइट करूँगा 1, 2, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करूँगा, यहाँ पर डबल ब्रैकेट लगाएंगे एंड देन सिंपली प्रेस एंटर। गाइस देखिए यहाँ पर 154 आंसर आया है, तो एक बार इसको एनालिसिस भी कर लेते हैं साथ के साथ। यहाँ पर 87 एक बड़ी संख्या है और दूसरी बड़ी संख्या है 67, तो दोनों का सम अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपको 154 नज़र आ रहा होगा, जो कि हमारा आंसर भी आया है। तो गाइज ये है सत्यापन इस क्वेश्चन का। तो गाइज इस क्वेश्चन में हमने 10 मार्क्स गेट किए हैं और पिछले क्वेश्चन में भी हमने आंसर को सॉल्व करके 10 मार्क्स गेट किए हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है प्लीज़ अपडेट द कॉल्स फॉर एजेंट। यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, यहाँ पर एजेंट वाइज यहाँ पर कॉल्स कर रखे हैं और यहाँ पर डेट्स हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मुझे यहाँ पर कॉल्स निकालनी है। तो जैसे मैं यहाँ पर नेम सिलेक्ट करूँगा और कॉल्स डेट सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर एजेंट की कॉल आ जाएंगी, टोटल कॉल आ जाएंगी। सो गाइज लेट्स पुट द फॉर्मूला वी लुकअप। तो यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूला लगेगा, जो कि मैं बात करूँ तो एक्सेल में 80% यूज़ वी लुकअप का ही होता है। तो गाइज आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने A19 यहाँ पर लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करी। अब साथ के साथ इसको फॉर्मूले को रीड भी करते हुए चलते हैं। लुकअप वैल्यू हमने A19 सिलेक्ट कर ली है, देन अब मुझे टेबल एरे सिलेक्ट करना है। तो टेबल एरे सिलेक्ट करने के लिए कॉमा प्रेस करेंगे और ये A12 I11 ये टेबल एरे हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे, देन अब मुझे यहाँ पर मैच फंक्शन लगाना है क्योंकि मुझे हेडर्स में डेट दे रखी है, तो यहाँ पर इस वजह से मैच फंक्शन लगेगा। तो मैच फंक्शन के लिए यहाँ पर लुकअप वैल्यू होगी हमारी B19
जो कि हमारी डेट में यहाँ पर मैच हो रही है, तो B19 हमारी लुकअप वैल्यू होगी, देन लुकअप एरे, तो लुकअप एरे हमारा ये A12 I1 होगा, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज कॉमा 0, एंटर प्रेस करेंगे एंड हियर इट इज गाइस। देखिए यहाँ पर ये मिर्ज़ा और जून 2022 को कॉल ये 74 है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा था कि यहाँ पर जैसे मैं नेम चेंज करूँगा, यहाँ पर आप देखिए कॉल्स भी आपको चेंज होती नज़र आएंगी। तो गाइस यही है इस फॉर्मूले की खूबसूरती, वी लुकअप विद मैच फंक्शन। इसमें हमने 5 नंबर अर्जित कर लिए हैं। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 10 नंबर का है, और यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी सो दैट इट इज अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन इन सेल नंबर H16 एंड I16। तो H16 और I16 में यहाँ पर इन्होंने डेटा वैलिडेशन लगा रखा है, तो इसमें जैसे मैं चेंज करूँगा तो यहाँ पर भी आपको ये क्वांटिटी चेंज होती हुई नज़र आएगी। तो फॉर्मूला बेसिस है इन 3 चीज़ों के ऊपर, प्रोडक्ट मार्केट क्वांटिटी आपको यहाँ भी नज़र आ रही होगी और प्रोडक्ट मार्केट क्वांटिटी आपको यहाँ भी नज़र आ रही होगी। तो फॉर्मूला लगेगा हमारा यहाँ पर सम IFS का, तो इक्वल्स टू सम IFS, पूछता है सम रेंज। तो जैसे कि क्वांटिटी पूछे तो हम क्वांटिटी की सम रेंज ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने E3 to E12 यहाँ पर सम रेंज सिलेक्ट कर ली है, देन कॉमा प्रेस करेंगे एंड देन पूछे पूछता है ये क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 हमारा क्या है, ये प्रोडक्ट है राइट। ये प्रोडक्ट में हमने यहाँ पर C3 to C12 सिलेक्ट कर लिया, देन कॉमा प्रेस करेंगे, देन क्राइटेरिया 1। तो यहाँ पर ये देखिए क्राइटेरिया 1 होगा हमारा ये H16 राइट, कॉमा प्रेस करेंगे। अब ये पूछता है क्राइटेरिया रेंज 2, तो ये मार्केट हमारी क्राइटेरिया रेंज 2 होगी, ये D3 to D12, देन कॉमा प्रेस करेंगे एंड I16, ये हमारा क्राइटेरिया 2 होगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड प्रेस एंटर एंड हियर इट इज, यहाँ पर ये हमारा आंसर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर डेटा वैलिडेशन के पॉइंट्स के थ्रू यहाँ पर आप देखिए इसको अगर आप चेंज करते हैं प्रोडक्ट एंड मार्केट को, तो आपको यहाँ पर आंसर भी चेंज होता हुआ नज़र आ जाएगा राइट। तो गाइज इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पर आपके 10 मार्क्स गेट कर लिए हैं। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पर दिया हुआ है गेट द डे मंथ एंड ईयर इन अ कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स ऑफ कॉलम बी, ये कॉलम बी है। इसके आधार पर मुझे ये येलो कलर में जो सेल्स दी हुई हैं इन पर मुझे डे मंथ एंड ईयर निकालना है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट के फॉर्मूला लगाते हैं। इक्वल्स टू TEXT टेक्स्ट, पूछता है वैल्यू, तो वैल्यू यहाँ पर हम B3 सेलेक्ट करेंगे, कॉमा यहाँ पर जैसे मुझे डे निकालना है तो यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमा में 3 टाइम्स D टाइप करूँगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज प्रेस एंटर। तो देखिए यहाँ पर डे आ चुका है वेडनसडे राइट। अब सेम लाइक दिस डे फॉर्मूला मुझे मंथ और ईयर भी निकालना है, तो यहाँ पर आप इक्वल्स टू TEXT टेक्स्ट वैल्यू वही सिलेक्ट करेंगे हम B3, कॉमा प्रेस करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे 3 टाइम्स M, 3 टाइम M लिखकर हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड प्रेस एंटर। तो देखिए मंथ अक्टूबर आ चुका है। नाउ ईयर TEXT टेक्स्ट वैल्यू वही B3, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर हम 4 टाइम Y प्रेस करेंगे राइट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर, हेयर इट इज। तो गाइज यहाँ पर आप इसे देखिए, इसे मैं इसे Ctrl D करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए सारी यहाँ पर डे मंथ एंड ईयर आ चुका है। तो ये हमारा सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 5 और हमने यहाँ पर गेट के 10 मार्क्स। तो गाइज शुरुआत के 5 क्वेश्चंस में हमने गेट किए हैं 45 मार्क्स, अब बाद के 5 क्वेश्चन बचते हैं जिसमें हमें गेट करने हैं 55 मार्क्स। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 एंड हेयर इट इज, डिविजन बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स। भाई सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, बट यहाँ पर आप देखिए तो क्राइटेरिया दे रखे हैं और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्राइटेरिया कुछ इस तरह है कि लेस देन 225 है तो थर्ड डिवीजन आनी है, अगर 225 और 300 के बीच में है तो सेकंड डिवीजन, और ग्रेटर देन 300 है और ग्रेटर देन इक्वल टू अगर कहे तो फर्स्ट डिवीजन है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये एक मार्क्स की टेबल है, यहाँ पर नेम दे रखे हैं और ये इंग्लिश मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के मार्क्स हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे सम फॉर्मूला, जिससे हमारा यहाँ पर ये टोटल आ जाएगा राइट। तो सम फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा इक्वल्स टू SUM सम। अब नंबर 1 to इंडेफिनेट, तो नंबर हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे C3 to G3 राइट,
और ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड प्रेस एंटर। तो गाइज देखिए ये सिंपली हमारा सम फॉर्मूला से यहाँ पर ये टोटल मार्क्स आ चुके हैं। अब इसे हम कंट्रोल डी कर देंगे और ये हमारे टोटल मार्क्स आ गए हैं। अब मैं यहाँ पर डिवीज़न लगाऊंगा, तो डिवीज़न निकालने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इफ़ कंडीशन का इक्वल्स टू इफ़ यहाँ पर टोटल मार्क्स सेलेक्ट करेंगे S3। इफ़ S3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 300, तो भैया 300 से अगर बराबर या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो क्या आना चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न आना चाहिए। तो कॉमा यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे फर्स्ट, राइट। अब कॉमा प्रेस करेंगे देन यहाँ पर इफ़ कंडीशन दोबारा लगाएंगे, वही H3 सेलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 225, कॉमा प्रेस करेंगे इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे सेकंड, देन कॉमा और फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे थर्ड, डबल ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड प्रेस एंटर। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमारी ये डिवीजन वाली कंडीशन भी लग चुकी है। तो 300 से ऊपर मार्क्स हैं तो उनके फर्स्ट डिवीज़न आए हैं, और 225 और 300 के बीच में ये सेकंड डिवीज़न वाला है, और 225 से नीचे ये थर्ड डिवीज़न वाला है, राइट। तो ये हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न लग चुकी हैं जिसमें हमने 10 मार्क्स अर्जित कर लिए हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक ये ट्रैवल ट्रैकर दिया हुआ है, और क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। बेस्ड ऑन ट्रैवल ट्रैकर कैलकुलेट द मंथ वाइज अमाउंट स्पेंड बाय बिजनेस यूनिट्स ऑन ट्रैवल। तो ये बिजनेस यूनिट्स यहाँ पर दी हुई हैं और ये मंथ वाइज अमाउंट है, मुझे यहाँ पर इन मंथ के बेसिस पे इन बिजनेस यूनिट्स का यहाँ पर सम निकालना है। तो फॉर्मूला लगेगा सम IFS का, और मार्क्स हैं इसमें 15 नंबर के, तो राइट इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू SUM IFS सम IFS सम रेंज। तो सम रेंज सेलेक्ट करेंगे H6 टू S35, राइट कॉमा प्रेस करेंगे देन क्राइटेरिया रेंज 1 D6 टू D35, ये हमारा क्राइटेरिया रेंज 1 होगा, कॉमा प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम क्राइटेरिया 1 के बेसिस पर हम यहाँ पर J7 सेलेक्ट करेंगे, देन कॉमा प्रेस कीजिए। अब क्राइटेरिया रेंज 2, तो बिजनेस यूनिट के बेसिस पर निकालना है, तो बिजनेस यूनिट हमारा क्राइटेरिया रेंज 2 होगा J6 टू G35, कॉमा प्रेस करेंगे और K6 हमारा क्राइटेरिया 2 होगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब गाइस मुझे यहाँ पर इसको फ्रीजिंग करनी है, तो मैं यहाँ पर S6 H35 और D6 D35 को फ्रीज करूँगा और G6 G35 को भी फ्रीज कर दूँगा। तो F4 प्रेस करिए और यहाँ पर ये फ्रीज हो जाएंगे। तो देखिए ये S6 H35 D6 D35 एंड G6 G35 हमारे ये फ्रीज हो चुके हैं। अब बस मुझे यहाँ पर J7 से आगे यहाँ पर एक डॉलर का साइन लगाना है, यानी कि फ्रीज करना है जे कॉलम को, राइट एंड K6 के बीच में एक और डॉलर का साइन लगेगा जस्ट टू फ्रीज एंड रन द फॉर्मूला, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला राइट भी दौड़ाना है और डाउन भी दौड़ाना है, तो इस वजह से ये फॉर्मूला को मैंने फ्रीजिंग की है। एंटर प्रेस करेंगे एंड हेयर इट इज़। अब मैं इसे कंट्रोल R करूँगा एंड कंट्रोल D करूँगा एंड हेयर इट इज़ द आंसर। तो गाइज आपने यहाँ पर 15 मार्क्स गेट कर लिए हैं अगर आपने ये फॉर्मूला शुरू से लेकर एंड तक देखा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सॉल्व हो चुका है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा एक्सपेंस ट्रैकर से रिलेटेड है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपके सामने पढ़ देता हूँ। बेस्ड ऑन एक्सपेंस ट्रैकर एक्सट्रैक्ट द काउंट एंड सम इन सेल K7 एंड L7। तो यहाँ पर मुझे ये बिजनेस यूनिट का यहाँ पर पहले तो मेरे को काउंट एंड देन उस के ऊपर स्पेंड किया हुआ अमाउंट यहाँ पर मुझे निकालना है। तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर पहले काउंट इफ़ का, राइट। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे COUNTIF काउंट इफ़, यहाँ पर रेंज सिलेक्ट करेंगे, तो जैसे बिजनेस यूनिट निकालनी है तो बिजनेस यूनिट ही यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे रेंज के तौर पर। तो G5 टू G34 यहाँ पर हमने रेंज सिलेक्ट करी, कॉमा प्रेस करेंगे और यहाँ पर J7 एज अ क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्रेस एंटर एंड हियर इट इज़। यहाँ पर हमारा काउंट आ चुका है बिजनेस यूनिट का। अब मुझे सम निकालना है, तो सम के लिए यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ होगा सम इफ़ SUM
एफ सम इफ, यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करेंगे तो रेंज है हमारी बिजनेस यूनिट, राइट। तो बिजनेस यूनिट यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर ली G5 टू G34, देन कॉमा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमारा J7 होगा, कॉमा प्रेस करेंगे, देन सेलेक्ट सम रेंज, तो अमाउंट हम सेलेक्ट करेंगे H5 टू H34, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए एंड हियर इट इज़ द आंसर। नाउ थ्रू डेटा वैलिडेशन हम यहाँ पर एक एक करके बिजनेस यूनिट सेलेक्ट करेंगे और आपको आंसर में चेंज होता हुआ नज़र आ जाएगा, राइट। आप देखिए जिस तरह से मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये यहाँ पर आंसर भी चेंज होता हुआ आपको नज़र आएगा, राइट। तो गाइज इस क्वेश्चन के थ्रू हमने 10 मार्क गेट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर हम जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर ये चार्ट यानी कि ग्राफ मेरे को बनाना है, बेस्ड ऑन गिवन डेटा प्रिपेयर द ग्राफ फॉर ऑल द मंथ्स। तो यहाँ पर ये मंथ्स दे रखे हैं, यहाँ पर ये नाम है एजेंट्स के और ये टोटल सेल दे रखी है। तो ऑन द बेसिस मैं यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस करूँगा, कंट्रोल ए से ये डेटा सिलेक्ट हो जाएगा टोटल, और फिर इंसर्ट मेन्यू पे जाऊँगा जिसमें चार्ट होता है। तो यहाँ पर मैं कॉलम चार्ट यहाँ पर मैं एक जनरेट करूँगा, यहाँ पर 2D कॉलम, सिंपल 2D कॉलम चार्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, नैरेटिव्स यहाँ पर आपका चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। अब चार्ट को एडिट करने की बात रही तो यहाँ पर आप सिलेक्ट डेटा पे जाइए, सिलेक्ट डेटा पे आप जाके यहाँ पर रो को कॉलम में और कॉलम को रो में स्विच कर सकते हैं, राइट। तो जैसे मैं चाहता हूँ ये मंथ मेरा कॉलम में आ जाए और ये नेम मेरे रो में आ जाए, तो ये मैं इस तरह से सिलेक्ट करके चेंज कर सकता हूँ। ओके प्रेस करेंगे एंड हियर इट इज। आप चाहें तो इसमें यहाँ पर डेटा सिलेक्ट करके यहाँ पर चार्ट टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं चार्ट को इस तरह से देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए ये चार्ट टाइटल भी आ चुका है। तो यहाँ पर आप इसे चार्ट टाइटल में जाकर, जैसे सेल्स मेरे को चार्ट टाइटल में डालना है तो यहाँ पर मैं सेल्स डाल सकता हूँ। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये इस तरह से भी डेटा आ सकता है और आप यहाँ पर इस तरह से टोटल जो ज़्यादा सेल्स की हैं उस तरह से भी आप डेटा देख सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन जो कि हमने यहाँ पर रिजॉल्व किया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और पढ़ते हैं इसे क्वेश्चन को कि हमें क्या करना है। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर डायनेमिक पिवट टेबल बनाना है, यानी कि जैसे मेरे इसमें डेटा इंक्रीज हो मेरी पिवट टेबल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। पहला पॉइंट तो समझ गए। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर मुझे क्वांटिटी और प्राइस का इंटू करके टोटल सेल निकालनी है, वो पिवट के अंदर ही करना है, राइट। तीसरा पॉइंट है इंसर्ट स्लाइसर्स ऑफ कंट्रीज एंड डिस्क्रिप्शन, ये कंट्रीज और डिस्क्रिप्शन का मेरे को स्लाइसर इंसर्ट करना है पिवट टेबल के अंदर। तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा वसूल कर रहे हैं हमसे, तो कोई बात नहीं, हम सबसे पहले डायनेमिक पिवट टेबल बनाएंगे। तो डायनेमिक पिवट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले कंट्रोल ए से यहाँ पर डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, देन आपको यहाँ पर जाना है फॉर्मूलाज मेन्यू पे और नेम मैनेजर पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका ये नेम मैनेजर की शीट आएगी, यहाँ पर न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर इस पिवट टेबल का आपको यहाँ पर नाम देना है। जैसे मैं यहाँ पर नाम देता हूँ Salman_1, राइट। Salman_1 मैंने यहाँ पर इसको नाम दिया है। अब मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखूँगा, वो फॉर्मूला बड़ा ही काम का है, आपको आगे तक यहाँ पर यूज़ होगा, आपके इंटरव्यूज़ में, आपके जॉब में, हर जगह यूज़ होगा, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। इक्वल्स टू ऑफसेट ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर मेरे को A1 सेलेक्ट करना है, ये A1 मैंने यहाँ पर टेबल में से सिलेक्ट किया है, देन कॉमा ज़ीरो, इतना लिखने के बाद हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे काउंट ए का, काउंट ए ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कॉलम A1 कॉलम, देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन कॉमा प्रेस करेंगे एंड देन फिर से काउंट ए लिखेंगे। ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पर हम पहली रो सिलेक्ट कर लेंगे, डबल ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। ये यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर Salman_1 के नाम पर एक ये ऑफसेट पिवट टेबल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब इसे सिंपली क्लोज कर दीजिए और एक नई पिवट टेबल आपको इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पर इस तरह से डेटा सिलेक्ट कीजिएगा, इंसर्ट मेन्यू पे जाना है, पिवट टेबल पे क्लिक करना है और पिवट टेबल पे क्लिक करके आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर लिखना है Salman_1 जो हमने नाम दिया था, ओके पे क्लिक करेंगे एंड हियर इट इज़।
आपके यहाँ पर ये एक डायनेमिक पिवट टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब सिंपली मैं यहाँ पर चीज़ें एक एक करके रॉ लेबल्स और वैल्यूज़ में रखना शुरू करूँगा। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन, कंट्रीज़, प्लांट उठा कर रख दिए हैं, क्वांटिटी और प्राइस को उठा कर मैंने वैल्यूज़ में रख दिया है। अब इसे हम सिंपल कर लेते हैं। पिवट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे, डिस्प्ले पे जाएंगे, क्लासिक पिवट टेबल ऑप्शन पे लेआउट पे क्लिक करेंगे एंड ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ देखिए ये इस तरह से आ गई है। और थोड़ा सिंपल बनाने के लिए यहाँ पर डू नॉट शो सब टोटल कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर सब टोटल वाला कॉलम चला गया है, राइट। तो ये क्वांटिटी और प्राइस का मेरे को इंटू करके यहाँ पर सबसे पहले टोटल सेल निकालनी है। तो सिंपली यहाँ पर मैं एक इंसर्ट कैलकुलेटेड फील्ड पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर फील्ड नेम पे मैं यहाँ पर नाम दूंगा टोटल सेल। अब मेरे को यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला जो है इक्वल्स टू क्वांटिटी इंटू इंटू का यहाँ पर निशान आ जाएगा और प्राइस पर भी मैं डबल क्लिक कर दूंगा, ऐड करूंगा, ओके करूंगा। हेयर इट इज़, ये आपकी दूसरी क्वेरी यहाँ पर सॉल्व हो गई है। तो ये है हमारा क्वांटिटी, सिंपल कर देते हैं इसे। ये है हमारा प्राइस और ये आ चुकी है हमारी टोटल सेल। स्पेस देकर एंटर करने के बाद ये इस तरह से आ जाती है। अब तीसरा जो क्वेश्चन था वो था इंसर्ट स्लाइसर्स ऑफ कंट्रीज एंड डिस्क्रिप्शन। तो स्लाइसर इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पर आपको स्लाइसर का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, स्लाइसर पे क्लिक कर दीजिए। अब डिस्क्रिप्शन और कंट्रीज़ का मेरे को स्लाइसर इज़ लाइक अ फिल्टर टू द पिवट टेबल। जैसे मेरे को डिस्क्रिप्शन और कंट्रीज़ का यहाँ पर स्लाइसर चाहिए, तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन और कंट्रीज़ पर चेक करूँगा, ओके कर दूँगा एंड हियर इट इज़, ये आपके यहाँ पर ये स्लाइसर्स आ गए हैं। अब सिंपल यहाँ पर मैं जैसे बीन्स पे क्लिक करता हूँ तो ये बीन्स की परफॉर्मेंस दिखाएगा, सॉसेज सॉस पे क्लिक करता हूँ तो ये सॉसेज सॉस की परफॉर्मेंस दिखाएगा। रिमूव फिल्टर पे क्लिक कर दीजिए, ऐसे ही कंट्रीज़ पे मैं कंट्रीज वाइज ये परफॉर्मेंस देख सकता हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा इंसर्ट स्लाइसर वाला पंडा जो कि हमने रिजॉल्व कर दिया। तो गाइज एक एक करके मैंने यहाँ पर ये डायनेमिक पिवट टेबल, सेल्स, टोटल सेल्स और स्लाइसर्स वाली कंडीशन सॉल्व कर दी है। आपको यहाँ पर डायनेमिक पिवट टेबल का अगर एग्जांपल देखना है तो मैं आपको एक बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर जैसे जिस तरह से यहाँ पर डेटा बढ़ाता हूँ, ये डेटा मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर पिवट टेबल पे जाकर सिंपली इसको रिफ्रेश कर दूंगा तो देखिए यहाँ पर ये डेटा चेंज हो जाएगा। अभी आपको वैल्यू 9870322 7490 नज़र आ रही होगी। जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूँगा देखिए ये वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों यही है डायनेमिक पिवट टेबल, राइट। तो दोस्तों एक एक करके हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन इंटरव्यूज़ के सॉल्व किए हैं। आप देख सकते हैं, रिकैप कर सकते हैं। ये मैं पूरी एक्सेल का आपको लिंक मेरे YouTube डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं और एक एक फॉर्मूला यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस ये है BPO's के आने वाले इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि आपको हर इंटरव्यूज में मिलेंगे। तो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब द नॉलेज राशन चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। जय हिंद, जय भारत।